जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो छिंदवाड़ा के द्वारा आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती जारी की गई है, इसमें टोटल पद कितने निकाला है और इसमें जो है आपकी कब तक भर्ती होगी। यहाँ पर रेगुलर भी पोस्ट है और आपके जो है संविदा भी पोस्ट है, दोनों की भर्ती इन्होंने निकाला है। और किस बेस पर यह सिलेक्शन लेंगे, क्या आपका एग्ज़ाम होगा और फॉर्म कहाँ से हमें अप्लाई करना पड़ेगा, पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और समझ में आए तो वो जो है इसे अपने विद्यार्थियों तक, मतलब अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं इस विज्ञप्ति को आपको स्टेप बाय स्टेप सीधे बताता हूँ। यह है सीधी भर्ती। क्या सर जी, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, डेट भी दी हुई है और इसकी लास्ट डेट मैं आपको पहले बता दूँ, इसकी लास्ट डेट है आपकी 15/6। कितनी लास्ट डेट है सर जी? 15/6। तो अभी से आपके पास कितने दिन बचे सर? 3 days। और आपको जॉब प्लेसमेंट कहाँ मिलेगी? तो आपको छिंदवाड़ा में इसकी जॉब प्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि छिंदवाड़ा ही द्वारा भर्ती निकाली गई है। चलिए आगे देखते हैं, स्टाफ नर्स की कितने 35 पोस्ट निकली। कितनी सर जी? 35। अगर आपका क्या योग्यता है, योग्यता भी यहाँ पर दी हुई है, योग्यता और कितने सीटें निकाली गई किस कैटेगरी के लिए। आपकी जो है यहाँ पर 35 पोस्ट हैं, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 10 सीट हैं, उसके बाद अनुसूचित जनजाति मतलब एससी वाले कैंडिडेट के लिए 7 सीटें हैं, उसके बाद 6 सीटें हैं आपकी एससी वाले जो बच्चे उसके लिए, ये है आपके ओबीसी वाले स्टूडेंट जिसके लिए 9 पोस्ट हैं, और 3 है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट के लिए। अब न्यू आपका योग्यता क्या क्या होनी चाहिए ये देख लेते हैं। आपका पास भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से क्या होना चाहिए, आपको 12th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग जो होती है, जो आपका पंजीयन होता है, वह कहाँ हो सकता है? जो आपका एमपी ऑनलाइन के थ्रू पंजीयन निकलता है, जिनने निकाला नहीं होगा वह कमेंट्स करके ज़रूर से बता दीजिएगा, उनकी हम सहायता जरूर करेंगे। उसके बाद देखिए, केवल संविदा और यह केवल महिलाओं के लिए, इतना बेनिफिट आपको मिलता है तो आप लोग जो है इसे ज़रूर कीजिएगा। बीएससी नर्सिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब संविदा पोस्ट कितने निकाला है इन्होंने? 9 पोस्ट निकाला है, जिसमें से इसकी भी कैटेगरी यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने बांटा गया है। सेम प्रोसीजर मतलब सेम योग्यता होगी। संविदा आपको कितना साल करना पड़ेगा? 5 साल के लिए आपको भर्ती देगा। इसमें सैलरी देख ली, सैलरी बेसिस पर कितना सैलरी मिलेगा आपको, तो आपको सैलरी मिलेगा 20,000 से स्टार्ट होगा। कितना सर जी? 20,000। और इससे इसमें भी 2800 जो है आपका पे ग्रेड होगा, तो मतलब आपकी सैलरी और इंक्रीज होगी, मतलब आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 22-23 हज़ार रुपये पर मंथ जाने वाली है। आगे चलते हैं, महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते लाभ शासन मतलब जो कि शासन द्वारा जो भी भत्ते आपके लिए लागू किए जाएंगे, जैसे कि रहने का खर्चा, आपका जो भी खर्चा आता है, तो सब जो है शासन द्वारा आपको दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग आरक्षण। तो आरक्षण एससी एसटी वाले कैंडिडेट को आयु सीमा मिलती है, तो यह कई आरक्षण है यहाँ पर लिखे हुए है। यह जो है पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखूँगा, आप लोग डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके खुद भी एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आयु सीमा कितनी मांगा है सर जी? तो आयु सीमा आपकी कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना चाहिए? 40। कितना होना चाहिए? 40 साल। और एज रिलैक्सेशन जो मिल रहा है आपको, एज में छूट मिलती है, तो 5 साल की छूट मतलब 45 तक आपकी एज हो तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं सर जी, आगे देखते हैं, उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत जरूरी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आपके सीटें जो घटाना है बढ़ाना है, इसका सब निर्धारण कौन करेगा? छिंदवाड़ा कॉलेज ही करने वाला है। चलिए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है सर जी। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर बहुत सी जानकारी दी हुई है, ये जो आपकी कोई काम की नहीं है। जो डेट है, क्या डेट है, मैं अभी आपको बताऊँगा फॉर्म जो फिल करेंगे हम लोग। चलिए आवेदन शुल्क की बात कर लूँ, आपको कितना लगेगा? 1100 रुपये आपको अमाउंट लगेगा। अगर आप लोग एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं तो आपको 900 रुपये लगेगा, और ओबीसी और जनरल वाले स्टूडेंट को कितना लगेगा? 1100 रुपये लगने वाला है। प्रोसीजर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी देख लीजिए। आपको एमपी ऑनलाइन के साइट पर जाना है, यह मैं प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड क्या करना पड़ेगा, आपको मार्कशीट लगेगी, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो तो वो भी लगेगा, आपके पास जो है मार्कशीट लगने वाली है, आपकी पहचान की फोटो लगने वाली है, साइन हस्ताक्षर लगने वाली है, 12वीं की अंकसूची लगने वाली है, जाति प्रमाण पत्र, और सभी जो फोटो का साइज होना चाहिए 20 KB होना चाहिए। कितना सर जी? 20 KB आपके फोटो का सभी का साइज होना चाहिए।
चलिए यह तो मैं दे दिया। अब देख चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी का चयन परीक्षा के प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट के आधार पर होगा। मतलब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी एग्ज़ाम की कोई भी डेट नहीं दी है, जो भी एग्ज़ाम की डेट आएगी मैं आपको अपडेट करा दूंगा। अभी एग्ज़ाम डेट इनकी नहीं है, ओनली आपको अभी फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से आप लोग अमाउंट कहीं से भी पे कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बच्चों कि कहाँ से सर जी हम लोग फॉर्म भरेंगे। देखिए ये है एमपी ऑनलाइन, दिख रहा है बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट पेज पर, यही से मैंने अभी डाउनलोड किया इसे। एमपी ऑनलाइन जो है आपका लिमिटेड, यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, अगर आपको रूल बुक डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड किया, इस पर इससे आप लोग खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जाना है सेवाएं में, कहाँ जाएंगे सर जी, ये सेवाएं लिखा हुआ इसमें जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट लिखी हुई है 30/5 से लेकर यह फॉर्म हो सकता है 15/6 तक। कब तक होगा, 15/6 तक इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। तो क्लिक हेयर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक किया आपका फॉर्म खुल गया। क्या खुल गया सर जी, स्टाफ नर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट लिखा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और जो देख बच्चों यह स्टार दिख रहा है आपको, स्टार वाली जगह को आपको फिल करना ही पड़ेगा, स्टार वाली जगह को फिल करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो जो जानकारी दी है आपको सेम भरना है, आप खुद भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेंट का नाम, मतलब आपको आपका नाम डालना है, आपको फादर का नाम डालना है, आप जो है डोमेस्टिक है वह डालना है, मदर का नाम डालना है, आपकी कैटेगरी डालना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कितने साल के आप लोग हो चुके हैं। यहाँ पर इंडियन डालना है, यहाँ पर आपका जेंडर मेल फीमेल है वह डालना है, आप लोग विवाहित है तो विवाहित डालिए, सिंगल है तो सिंगल डालिएगा। उसके बाद आपको अगर विवाहित नहीं है तो इनमें भी कुछ नहीं और इसमें भी कुछ नहीं फिल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं यहाँ पर, आप एक सर्विस मैन हो तो नो, यहाँ पर पूरा नो, हैंडीकेप हो तो यस कीजिएगा, वरना अन्यथा सभी को नो। आईडी प्रूफ में क्या लिखिएगा, आधार कार्ड सभी के पास अवेलेबल होता है, आधार कार्ड लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिखिएगा। उसके बाद देखिए क्या क्या आपको यहाँ पर कंपलसरी डालना है, आपके पास डालना है 10वीं की मार्कशीट कंपलसरी है, 12वीं की मार्कशीट, और आपको क्वालिफिकेशन बीएससी हो तो क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग इसे फिल कर सकते हैं। और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर आपको क्या डालना है, आपका पूरा एड्रेस डालना है, कहाँ से है, कहाँ बिलोंग, मतलब आपका वार्ड नंबर क्या है, आप मध्य प्रदेश से तो होंगे ही, आपका डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है, आपका डिवीज़न क्या है, पिन कोड क्या है, और जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इतना आपको यहाँ पर फिल करना है। और परमानेंट पर क्लिक करना है, यदि कि परमानेंट तो सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सैलरी आएगी आपकी, तो आपको अकाउंट नंबर यहाँ डालना बहुत ज़रूरी है, आपको अकाउंट नंबर डालिएगा। एग्ज़ाम सिटी आपको चूज़ करना है, 3 एग्ज़ाम सिटी होगा आपको, जबलपुर भोपाल सागर ऐसी एग्ज़ाम सिटी मिलने वाली है। ये देखिए सतना मिलेगा, सागर मिलेगा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल मिलेगा। आप जो भी एग्ज़ाम सिटी चूज़ करेंगे वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपका एग्ज़ाम सिटी मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिख रहा है 20 KB की आपको क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर कहाँ करेंगे, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और ये चेकबॉक्स दिख रहा है आपको, इस चेकबॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो यूनिट डिजिट दिया है, जैसे कि 8, जो आप यहाँ पर तो 8 और 4 दिया हुआ है, मतलब 12 होता है, तो यहाँ पर मैं 12 लिखूँगा और सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो सबमिट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आएगा, अब पेमेंट को आपको खुद ही करना पड़ेगा, ATM कार्ड से करते तो ATM कार्ड से कीजिएगा। ये देखिए ATM आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और यहाँ पर नीचे पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद जो यूनिट डिजिट है उसको प्रेस करना है और देन उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। अगर अभी भी आपको समस्या आती है किसी कोई फॉर्म से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से कमेंट्स करें, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, हर समय समाधान स्टडी आपके साथ बना हुआ है, आपके लिए प्रॉपरली हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, मिलूंगा आपको ऐसे ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर पर सेफ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।